देश भर में कोरोना महामारी में सबको अपना काल दिखने लगा है। हर कोई जहां एक तरफ मौत के खौफ से अपने अपने घरों में छिपे बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग किसी अपने की जाने के गहरे सदमे में चले गए हैं। लेकिन ऐसे में जहां एक तरफ दुनिया प्रलय से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों में ना तो महामारी का खौफ है और ना ही पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का, वो तो बस लगातार घिनौने अपराधों को अंजाम दिए जा रहे हैं। इस बीच एक और मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को फिर से शर्मसार कर दिया है। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहने वाले एक युवक को युवतियों की अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की धमकी देकर उनसे पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। घटना के संबंध में युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं मंगलवार देर रात इस मामले में दिल्ली पुलिस ने नेटोर थाना क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। आइए अब आपको मामले से जुड़ी पूरी जानकारी बारीकी से समझाते हैं। दरअसल नेटोर थाना क्षेत्र का रहने वाला 21 साल का दिल्ली समेत अन्य राज्यों में युवतियों को बहला फुसला कर अपने प्रेम जाल में फंसा कर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, फिर उनकी अश्लील वीडियो बना लेता था। इसके बाद ये युवक युवतियों को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उनसे ढेर सारे रुपए ऐंठता था। तो वहीं इसकी दरिंदगी का शिकार हुई दिल्ली की एक युवती ने इस संबंध में थाने में तहरीर दी, जिसके बाद युवक के खिलाफ अनुच्छेद 387 और पॉस्को अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई, जिसके तहत मंगलवार देर रात पुलिस ने दबिश देकर आरोपी युवक को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि और जानने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह में वो अकेला काम कर रहा था या फिर उसकी मदद कोई और भी करता था। तो देखा आपने, आजकल लोग छोटी छोटी उम्र में भी कितने बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, जो कि काफी चिंता का विषय है। जिस उम्र में हमारे नौजवानों का काम देश की सेवा करना, तरक्की करना होना चाहिए, कुछ कर दिखाने का जज्बा उनमें होना चाहिए, वो आज या तो नशे की लत में काले सागर में डूबे हुए हैं या फिर इस तरह के घिनौने अपराध को अंजाम दे रहे हैं। आपके नजरिए में इस विकट स्थिति में हमारे नौजवानों को कैसे उभारा जाए, इसका सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।